हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएमके टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं लेजर लाइट बेस्ड होम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स को। तो आप इस प्रोजेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में दिखाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट्स को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक प्लाईवुड लेंगे। इस पर हमने ग्रीन शीट को लगा लिया है और हमने एक घर का भी डिज़ाइन बना लिया है और फिर हम इस सर्किट को बनाएंगे इस सर्किट डायग्राम की मदद से। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पीसीबी बोर्ड लेते हैं, जीरो पीसीबी, और फिर हम एक 547 ट्रांजिस्टर लेंगे। इसे हमने यहीं पर कनेक्ट कर दिया है पीसीबी में। और इसी तरह से हम एक और ट्रांजिस्टर लेंगे BC547 और फिर इसे भी हम यहीं पर लगा देंगे। और फिर इसके फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को और सेकंड के बेस को एक साथ सोल्डरिंग कर देते हैं, जॉइंट कर देते हैं। और फिर हम 1 kΩ का रेजिस्टेंस लेंगे और उसी जॉइंट पर हम इसके एक टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं। और फिर इसके बाद इसके दूसरे टर्मिनल को अभी छोड़ देते हैं। अब इसके बाद एक और 1 kΩ के रेजिस्टेंस को हम फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस में और दोनों के एमीटर में कनेक्ट कर देंगे, यानी एक टर्मिनल को फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल को दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था और सेकंड ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, इन दोनों पिंस पर हम एलईडी को कनेक्ट करेंगे और बजर को। तो एलईडी का बड़ा लेग पॉजिटिव होता है तो हम इसे रेजिस्टेंस के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव को हम सेकंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से हम एक बजर लेंगे, बजर के पॉजिटिव लेग बड़ा होता है तो इसे भी हम जहाँ पे एलईडी का पॉजिटिव कनेक्ट किया है वहीं पे सेम जगह पर हम इसे भी कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव की जगह। और फिर इसके बाद हम एक एलडीआर लेंगे, इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है तो हम इसे फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस में एक पिन को और दूसरे पिन को फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और फिर हम एक बैटरी कैप लेंगे, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल जहां पे हमने एलडीआर को कनेक्ट किया है और एलईडी का पॉजिटिव वहीं पे कनेक्ट कर देंगे। और इसके नेगेटिव पॉइंट को हम दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये कनेक्ट हो गया है बैटरी कैप। अब इसके बाद इसके रेड पॉइंट को हम बीच में से कट करके एक स्विच कनेक्ट कर देंगे इन दोनों वायर्स में जॉइंट करके, तो हम इसमें सोल्डरिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये स्विच के थ्रू ऑन ऑफ हो जाएगा। अब इसके बाद हम एक छोटा सा प्लाई का पीस लेंगे, इस पर हम इसे ग्लू की मदद से चिपका देंगे जिससे कि ये स्टेबल रहे, हम इसे कहीं पर भी रख पाएँ इस सर्किट को। और हम इसमें ही इस स्विच को कनेक्ट कर देंगे, यानी ग्लू से चिपका देंगे। और फिर हम एक 9 वोल्ट की बैटरी लेंगे, इस बैटरी कैप में कनेक्ट कर देंगे और इसे भी यहीं इसी प्लाई के बेस में चिपका देंगे। तो हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो हम लेज़र लाइट इसके एलडीआर पर फोकस करेंगे और बीच में हम हाथ ले जाएंगे तो इसका बजर और एलईडी ऑन हो जाएगा। बट आपको इस सर्किट में एक बात ध्यान रखनी है कि एलईडी को आप एलडीआर के पास में नहीं लगाना, नहीं तो आपका सर्किट ये काम नहीं करेगा। अब इसके बाद हम कुछ मिरर के पीस लेते हैं, तो हमने 3 पीस ले लिए हैं और फिर हम इन प्लाई के पीस को भी हमने ले लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी इन्हें स्टेबल कर देंगे इस पर प्लाई के पीस पर, इन तीनों मिरर्स को आप कुछ भी ले सकते हैं। यानी हमें इन मिरर्स को आगे पीछे करना पड़ेगा फोकस करने के लिए लेज़र लाइट को, इसीलिए हमने इस तरह से इन्हें बनाया है। आप कुछ भी ले सकते हैं इन्हें इस तरह से फिक्स करने के लिए। अब इसके बाद हमें लेज़र लाइट को ऑन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक भारी चीज़ लेनी पड़ेगी कुछ भी। तो मैंने ख़राब बैटरी ले ली है, उस पर हम इसे इस तरह से चिपका देंगे। अब इसके बाद हम एक छोटा सा प्लाई का पीस लेंगे, इसके बटन पर लगा देंगे और एक तार की मदद से हम इसे टाइट कर देंगे। यानी जब हम इसके बटन पर इसको फिक्स कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगी और साइड में खिसका देंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। जैसा आपको इस वीडियो में दिख रहा है इसी तरह से आपको भी कर लेना है। तो हम इसको भी यहीं पे पास में रख देंगे और फिर हम बाद में फोकस करेंगे। देखिए, अब हमने सर्किट को ऑन कर दिया है तो सर्किट में बजर और एलईडी लाइट ऑन हो गई। इसको फिक्स करने, यानी इसको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यानी इसको फोकस करने में हमें आगे पीछे करना पड़ेगा इन मिरर्स को, किसी पर पड़ेगी या नहीं
तो हमें देखना पड़ेगा कि लेज़र लाइट कहाँ है, उस हिसाब से हमें इन पर फोकस करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इन्हें फोकस करने में, और हमारी ये लेज़र लाइट डायरेक्ट LDR पर पड़नी चाहिए। हम LDR को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसीलिए हमने इस तरह से उसको बनाया। जैसे हमने इसको फिक्स कर दिया है, ये फोकस हो रही है हमारे LDR पर। तो अभी बजर और LED ऑफ है। अब जैसे ही इसके बीच में हम हाथ ले जाते हैं अपना, तो ये LED और बजर को ऑन कर देता है। यानी इसी तरह से अगर कोई चोर भी हमारे घर में जाने की कोशिश करेगा तो इसी तरह से लेज़र लाइट उसे डिटेक्ट कर लेगी और इसी तरह से अलार्म बजने लगेगा। तो आपको ये प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।